हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और उसी के आगे है हमारा जैसे प्रेजेंट के बाद जैसे पास्ट आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस है, फिर पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इनकी सबकी एक चीज, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बात करूं केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसको मैंने बताया था मेरे वीडियो पे है, तो उसमें जहां सिंस और फॉर का यूज, आज हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ सिंस और फॉर, यानी सिंस या फॉर का यूज करना, जिसका यूज कहां किस टेंस पे किया जाता है, ये मैंने बताया था। इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे, या हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर इसका यूज किया जाता है, जिसमें सिंस का जो यूज होता है, जो ये सिंस होता है, इसका जो यूज होता है एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, और फॉर का जो यूज किया जाता है वो एक अनिश्चित समय, जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, उस टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, और जो एक फिक्स टाइम होता है, निश्चित समय होता है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो मैं आज ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लेके आया हूं, जिसमें सिंस और फॉर का यूज करना, इसको फिल करना है, कहां पर सिंस का यूज करना है, कहां पर फॉर का यूज करना है, तो इस चीज को मैं आज इसमें आप लोग को बताऊंगा। ये एक एक्सरसाइज मैंने ले रखी है, यूज ऑफ सिंस और फॉर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक एक्सरसाइज है, उसको आज हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, और वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, आई हैव नॉट बीन टू ए मूवी, यानी आई हैव नॉट बीन टू ए मूवी सेप्टेम्बर लास्ट, यानी पिछले सितंबर, मैंने पिछले सितंबर में एक मूवी, आई हैव नॉट मूव ए मूवी, मतलब मैं मूवी में नहीं था, या ये कह सकते मैंने मूवी नहीं देखी, या सीन शब्द यूज ही नहीं किया गया है, हेल्पिंग वर्ब लगी ही नहीं है। यहाँ पे देखिए केवल हेल्पिंग वर्ब लगी, आई हैव नॉट बीन टू अ मूवी, यानी मैं एक मूवी में नहीं था, ये कह सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं सितंबर जो फिक्स मंथ होता है, सितंबर का जो मंथ होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, और इस महीने जब फिक्स हो गया तो यानी उसकी जगह पे हमको क्या फिल इन द ब्लैंक पे करना है, यहां पर हमको सिंस का यूज करना है, क्योंकि जो सितंबर है वो केवल बिल्कुल निश्चित समय होता है, वो अनिश्चित नहीं उसे कहते हैं। तो यहां पर हमने क्या यूज किया है, सिंस का यूज किया है। अगला सेंटेंस हमारे पास है, द एमएलए हैज नॉट विजिटेड आवर विलेज, यानी एमएलए है वो हमारे गांव घूमने नहीं आए। अब द लास्ट इलेक्शन, जो पिछला यानी अंतिम इलेक्शन हुआ है उसमें घूमने नहीं आए, तो इसमें ये एक अनिश्चित समय हो गया, तो इसके साथ हमको फॉर का यूज करना है। तो यहाँ पे हो गया फॉर का, यहाँ लास्ट इलेक्शन, क्योंकि समय निश्चित नहीं है, लास्ट इलेक्शन में तो आए लेकिन वो टाइम उसका निर्धारित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, द वर्कर्स हैव बीन ऑन हंगर स्ट्राइक अ वीक नाउ, यानी हंगर स्ट्राइक मीन्स होता है भूख की हड़ताल, यानी भूख हड़ताल पे जैसे वर्कर्स होते हैं तो भूख हड़ताल कर देते हैं, तो कब से, अ वीक नाउ, यानी एक सप्ताह से, अब से एक सप्ताह से, यानी अब एक सप्ताह के लिए वो लोग किसमें है, भूख हड़ताल पर हो गए हैं एक सप्ताह के लिए। तो यहाँ पर अ वीक जो दिया हुआ है ये एक अनिश्चित समय है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कौन सा एक सप्ताह, संडे से शुरू होता है कि सैटरडे से शुरू होता है, कोई इसका फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर अ वीक नाउ, ठीक, यानी अब से एक सप्ताह के लिए वो किस पे, भूख हड़ताल पर चले गए हैं वर्कर्स जो हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास दिया है, सी हैज, ओ सॉरी, ही हैज संग टू आवर्स नाउ, यानी अब से वो दो घंटे के लिए, दो घंटे, देखो यहाँ पे टू आवर्स यूज किया गया है, तो टू आवर्स की जगह पे यहाँ पे हमको फॉर यूज करना है,
क्योंकि फॉर हमारा क्या है, अनिश्चित समय है, ठीक। इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया, फॉर, यानी टू आवर्स एक अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। अगला है फिफ्थ नंबर, द पेशेंट हैज नॉट स्लिप्ड, यानी पेशेंट यानी मरीज है, सोता नहीं है, टू डेज, दो दिनों से, यानी मरीज है और दो दिनों से नहीं सोता है, तो यहां पर भी टू डेज लिखा है, अनिश्चित समय है, तो इसलिए इसके साथ हमको क्या है का यूज करना है, फॉर का यूज करेंगे हम। इसके बाद अगला है, मिस्टर अशोक हैज एक्टेड इन फिल्म, यानी मिस्टर अशोक है, उन्होंने फिल्म में एक एक्ट यानी अभिनय किया हुआ है, तो हिज बॉयहुड, बॉयहुड मीन्स होता है लड़कपन या बचपन जैसे कह देते हैं, तो यहाँ पे बॉयहुड लिखा है, इसलिए यहाँ पे इसको लड़कपन कहेंगे, यानी अपने लड़कपन में उन्होंने एक फिल्म में अभिनय किया था, तो यहाँ पर ये बॉयहुड है, ये निश्चित समय होता है, चाइल्डहुड, बॉयहुड, तो ये चीज यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, यहाँ पर सिंस का यूज करना, ध्यान से आप समझे, क्योंकि इस तरह की चीजों में लोग मतलब बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में हो जाते हैं। बॉयहुड यानी लड़कपन कह सकते हैं या बचपन कह सकते हैं, बॉय मीन्स लड़का होता, हुड मीन्स, तो ये दोनों को मिलाकर बॉयहुड लड़कपन की बात कह रहा है। अगला सेंटेंस है, वी हैव नॉट हैड अ हॉलीडे, यानी हमारे मतलब हमारे पास एक छुट्टी नहीं है, फाइव ईयर्स, पांच साल से एक भी छुट्टी नहीं ली गई है, हमने मतलब पांच साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो फाइव ईयर्स यहाँ पे देखो यूज किया गया है, तो फाइव ईयर्स ये एक अनिश्चित समय है, यानी इसकी समय इसके साथ हमको फॉर का यूज करना है, ठीक। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, इट हैज नॉट रेन, यानी बारिश नहीं हुई है, द फिफ्थ ऑफ जुलाई, यानी जुलाई की पांचवी तारीख से, यानी पांच तारीख, जुलाई की पांचवी तारीख से बारिश नहीं हुई, तो यहाँ पे पांच तारीख देखो फिक्स कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, सिंस का यूज करेंगे, ठीक। इसके बाद अगला सेंटेंस है, मिस्टर गुप्ता हैज लिव्ड इन दिल्ली 1985, तो यहाँ पर ईयर दिया हुआ, ये भी फिक्स है ईयर, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से 10 नंबर, मिस्टर शर्मा हैज लिव्ड इन आगरा, यानी मिस्टर शर्मा आगरा में रहते हैं, अब कब से, थ्री इयर्स दे दिया, तो ये एक अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, फॉर का यूज करेंगे। इस तरीके 11 नंबर है, द टीचर हैज टॉट अस, यानी अध्यापक हमको पढ़ाते हैं, मॉर्निंग, मॉर्निंग शब्द आ गया, मॉर्निंग सुबह, ये एक निश्चित समय होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, ये सारी चीजें क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती हैं, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसके बाद 12 नंबर, द कैंडिडेट्स हैव वेटेड, यानी कैंडिडेट जो खड़े होते, प्रत्याशी जो खड़े होते हैं, वो वेट कर रहे थे टू बी कॉल्ड, बुलाने का, इन 10 o'clock, यानी 10 o'clock ये निश्चित समय हो गया, घड़ी में 10 बजे है, इसलिए निश्चित समय, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अगला है, इट हैज नॉट रेन टू आवर्स भी तुम्हारा यहाँ पे अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगला है, आई हैव नॉट सीन रमेश, मैंने रमेश को नहीं देखा, यस्टरडे वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, यस्टरडे, टुडे, टुमारो अगर यूज करता है तो वहां पर हमको सिंस का यूज करना होता है, क्योंकि ये एक निश्चित समय होता है। तो ये मैंने आज आप लोग को यूज ऑफ सिंस और फॉर के यूज के बारे में बताया, इनका कहाँ कैसे, ये पूरी एक एक्सरसाइज मैंने आप लोग के सामने करके दिखाई है। तो अब अगली एक्सरसाइज फिर मैं कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज लेके आप लोग के सामने आऊंगा, तब तक इस वीडियो को और ज्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि सभी को ये जानकारी आसानी से मिल सके, खासतौर से वो लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए। नमस्कार।